जाएंगे ना हम सब यहाँ से जाएंगे। तुम अपने पापा के झूठी दिला से इतना बंद करो। तुम लोग खुद ही सोचो ना, हर तरफ इतने सारे घाट से तुम लोग कैसे जाएंगे उड़ के? अब उड़ कर ही जाएंगे। सच कह रही हूँ, एक बार मैंने अपने पापा के साथ एक चलने वाली लालटेन उड़ाई थी। क्या हम ऐसा कुछ नहीं बना सकते जिसमें हम सारे उड़कर जा सके? बच्चों जैसी बातें मत करो कुल्फी। मैं तो हूँ ही बच्ची। इम्पॉसिबल कुल्फी, हमारे पास कोई एरोप्लेन तो है नहीं जो मुड़ के चले जाएंगे। कुल्फी, मैंने बहुत चिड़िया उड़ के लाए। चिड़िया उड़, तोता उड़, आदमी उड़, देखा लोग नहीं उड़ते। मानो या ना मानो, उम्मीद की लाटते कुड़ी थी, मैं भी उम्मीद नहीं छोड़ू। मैं उड़ूंगी और यहाँ से निकलूंगी, अपने बाबा के पास जाऊंगी। और सब तक ऐसा नहीं होता, कोशिश करती रहूंगी, कुछ ना कुछ सोचती रहूंगी। अकेले क्यों सोचू, अब सबको यहाँ से जाना है ना। सारे दोस्त है ना, अब तुझसे सारे तरीका सोचू और मैंने दसो यहाँ से कैसे उड़ना है। कुल्फी खुद को संभालो। मैं क्या, प्लीज ये बट्टो जैसी गल मेरे नाल ला करो। आप सबको कबूतर कहते रहो, अब मैं उड़ाओ। कुल्फी ठीक कह रही है, हम सब लोग उड़ के जा सकते हैं। यार अब तू मत शुरू हो जा। हम लोग हॉट एयर बलून में उड़ के यहाँ से जा सकते हैं। नो वटाशा, क्यों होता है? क्या सरस्वती, कोई ढंग की बात बोलना। तुझे कैसे पता उसमें जा सकते हैं? मैंने खुद से थोड़ा सोच लिया, लाइब्रेरी में एक बुक में पढ़ा था, उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा है, उसे बनाने का तरीका भी। लाइब्रेरी, कहाँ गई वो बुक? कौन से सेक्शन में थी? बनाने के लिए एक बड़ा कपड़ा लगेगा और रिचार्ज चलाने के लिए एक स्टोव और इतनी बड़ी टोकरी जिसमें हम सब आ जाए और रस्सी भी चाहिए होगी। तो सबसे पहले सब अपना वजन बताओ। चिट्टू 32 किलो, 43 किलो। अरे बोल ना, शट अप। लड़की सुनकर बेटी पूछ रही, बेजा फ्राई मत कर, अभी तू लड़की नहीं है रे।
टोकरी में बैठने का है ना तो सीधे सीधे बोलने का, नहीं तो करीब 8 से 10 स्क्वायर मीटर बोले तो 8 से 10 बड़ी ज्यादा जितना कपड़ा लगेगा। तुझे कैसे पता? क्या रॉकेट भैया, ऐसा सिंपल हिसाब तो अपने को भी आता है। इतना सारा कपड़ा लाएंगे कहां से? नहीं हो पाएगा। मैं क्या, प्लीज अभी अभी तो तरकीब सोची, रात नहीं कर रही हूँ, कुछ सोचते है ना? सोच लिया, कहने में बहुत सारी चादरें रखी हुई है, अब वो ले आएंगे। और अगर वो भी कम पड़ी तो पर्दा, टेबल का पुराना कपड़ा जो मिलेगा उसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रेट आइडिया, तय खाने में कोई रोज रोज नहीं जाता, इससे को पता नहीं चलेगा। माना कपड़े का इंतजाम हो भी गया तो उसे सिलना पड़ेगा, इतनी सारी सिलाई कौन करेगा? इस आइडिया को भूल जाने में भलाई है। करेला की सब्जी नहीं खाती थी, जब भी घर पे करेला 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 कहाँ से आ गया? सुनो तो जितन करेला बनता, ये कहती मुझे तो बस चीनी का पराठा खाना है। एक दिन पापा ने मुझसे पूछा, तूने कभी करेला चखा है? मैंने कहा नहीं। फिर उन्होंने मैंने समझाया, इसे एक मौका तो दे, खा के तो देख, नहीं अच्छा लगे तो कोई नहीं पर शायद अच्छा लग जाए। फिर खाया। हाँ जी खाया और अच्छा भी लगा। मैंने लगता है हमें भी खुद को एक मौका देना चाहिए, सिलाई करनी है तो सारे मिलकर सिलाई करते हैं, नहीं कर पाए तो कोई कर ले। अभी यहाँ बंद है तब भी यहाँ बंद ही रहेंगे, पर शायद कर पाए तो यहाँ से आउट। हम कहीं भी जाए अम्मा तो वहीं आ जाएगी। मेरे बाबा है ना बहुत अच्छे, आप सबकी मदद करेंगे। गुलफेट ठीक कह रही है, कोशिश तो बनती है। चादर बांध के पहुंच चलिए, चादर बांध के उड़ना है। बोलो जी हम साथ है ना? ओए शाबाश। अच्छा सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन रुक जाओ ना। कल पार्टी में कैसे थक गए थे आप, कल से शुरुआत करेंगे पक्का। जाना मैं टायर्ड हो गई। अब मुझे इस थकान को सीक्रेट ऑफ करके गाना सीखना है प्लीज। पर बच्चे अरे सच्ची मुच्ची मैं एकदम ठीक। अब मुझे वो हिंदी वाली सिंगिंग की प्रैक्टिस करनी है। हिंदी वाली सिंगिंग? यस दादा, वो उसका नाम मेरी एक फ्रेंड जैसा है, रिया समथिंग। रियाज? यस दादा वही, मुझे रियाज करवा दो ना प्लीज। तूने अपनी जिद नहीं छोड़नी ना। थैंक गॉड मुझे याद आ गया। क्या आराम से क्या कर रही है अम्मा? अब मेरे डैडी तो फॉरएवर से टीचर भी बन गए, अपने टीचर के तो फिर टीच करने चाहिए ना। मंजिलों का शौक था, घर से निकलना ही पड़ा। इश्क करना और निभाना आदतें दोनों बुरी थी, हम भी बदले आदतों को, बदलना ही पड़ा। चांद बनने के लिए जुगनू को जलना ही पड़ा। राम लाल ना, राम लाल।
इंडियन पियानो पे रियाज करेंगे। हारमोनियम। हारमोनियम पे सारेगामा से शुरू करेंगे ना। मैं फुल मेहनत करूंगी डैडा, आई प्रॉमिस। ये सारेगामा व्हाटएवर तो भजन के लिए होता है ना, पर रॉकस्टार्स तो भजन नहीं गाते, तो आप मुझे कोई रॉकस्टार्स वाली बात क्यों नहीं सिखाते? मेरे म्यूजिक में मैजिक है, क्यों नहीं भी सुनने आ गया? मारा छोड़ो उस कुत्ते को, रियाज नहीं करना आपको। डैडा वो कुत्ता नहीं है, वो मेरा जॉनी बेबी है। मेरा संगीत तेरे बिना अधूरा है कुल्फी, और तेरे बिना तेरा ये बाबा भी अधूरा है। शुरू करें आराम नाल।